हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन एडवेंचर सोल गौरव। तो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं, यह है पहाड़ी गीठी, इसे कंदमूल फल भी बोला जाता है। तो मैं ये बहुत पहले से खाता हूँ, तो मुझे लगा ये मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका, जैसे एक स्वीट पोटैटो होता है उसी टाइप में होता है। ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिलता है, स्वीट पोटैटो थोड़ा मीठा होता है। ये अभी इसको हम काट रहे हैं, उसके बाद ये क्या होगा, इसको हम पतीले में उबालने रखेंगे और इसके साथ मिलाएंगे हम चूल्हे की राख। उसके बाद जो ये बॉयल होगा, फिर उसके बाद उसको निकाल के उसमें साफ़ करके, ये जो है इसको साफ़ करने के बाद इसकी जो डस्ट है या ये इस पे कुछ इसकी रूट्स हैं वो निकालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में जख्खे के तड़के के साथ। तो दिखाता हूँ मैं ये सब, अभी हम इन्हें काट रहे हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसको पहाड़ी जो नाम है इसको गीठी बोलते हैं। अगर मेरे को इसका वैसे नॉर्मल नेम पता चलेगा तो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, वो देख लेना आप। तो ये है स्वीट पोटैटो की कोई वैरायटी होती है जो पहाड़ों में मिलती है, खासकर हिमालय क्षेत्र में। तो देखते हैं आगे इनको बॉयल करने के बाद। एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता चला है कि जो ये डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ में ये बेनिफिट है, बहुत ही लाभदायक है गीठी। ये खासकर पहाड़ों में जो होता है, इसको डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत अच्छे चाव से खा सकते हैं। और वैसे मोस्टली ये पहाड़ों में नाश्ते में खाया जाता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खाया जाता है इसे। इसे अभी जैसे हम उबाल देंगे शाम को, और मॉर्निंग में इनको छिल के अच्छा सा तड़का लगाएंगे और चाय के साथ इसका आनंद लेंगे। फाइनली 10 से 15 मिनट के बाद ये हमने पूरा काट दिया है। अब हम इसमें छानेंगे राख, चूल्हे की राख, और उसके साथ मिलाएंगे ये जो इसमें इसका थोड़ा कड़वापन होता है वो हटाने के लिए इसमें राख मिलाई जाती है। तो इसमें छानेंगे राख, और फिर की राख जो है ये छानने के बाद इसमें मिलाई जा रही है। और ये इधर है, इसमें एक पतीले में पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो चुका है। और ये सामने है चूल्हा, क्योंकि इसमें बहुत देर हम रखेंगे इसे, कम से कम। ये राख मिलाई जा रही है, सामने चूल्हे में है आग और इसमें हो रहा है पानी गर्म। तो कम से कम ये आधे घंटे तक इसमें बॉयल होगा बहुत अच्छे से, और फिर सुबह बनेगा इसका ब्रेकफास्ट। ये चूल्हे में इसलिए रखा जा रहा है कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसमें गैस बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो हमारे पास लकड़ियां हैं, चूल्हा भी है, तो हमने रख दिया इसे चूल्हे में। इसे वैसे गढ़वाली में डिक्चा बोलते हैं, डिक्चा, इट्स कॉल्ड भगोना, डिक्चा और पतीला। लगभग आधे घंटे के बाद ये आपका उबलना स्टार्ट हो चुका था, और ये पूरा पूरी भाप आ रही है ऊपर, और ये धुआं भी आ रहा है तो दिख नहीं रहा है शायद। तो आधा घंटा हो चुका है इसे अब नॉर्मल होने के बाद। इसे छिला जाएगा, जो इस पे इसकी रूट थी, डस्ट तो इसकी अपना आप ही गायब हो जाएगी, और जिसका अपना कड़ापन होता है वो भी गायब हो जाएगा। अब इसे हम छौंका मारेंगे जब इसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे। फाइनली पूरी रात था ये, फिर अभी ठंडा हो गया, इसमें से थोड़ी भाप भी निकल रही है, पूरी रात ये गर्म ही था। तो ये बॉयल हो चुका है अच्छे से, अब इनको निकालेंगे और उसके बाद इसका लगेगा मॉर्निंग में तड़का। तो ऐसे साफ़ किया जाता है इन्हें,
ये मेरी माता श्री श्राप कर रही है इन्हें, उन्होंने ही इनको काटा था, और ये ऐसे। और फिर एक बार हल्का सा पानी से इन्हें निकाल के, जिन पे ये कुछ इनकी राख लगी होगी, इनकी रूट्स होंगी, वो साफ़ हो जाएंगी, और फिर इसका लगेगा तड़का। तो ऐसी एक पहाड़ में एक वो बनता है, जैसे पुआ होता है पुआ सेम, तो ऐसी एक अरसा भी बनता है। तो सेम अरसे की शेप में काफ़ी बड़ी गीठी थी ये। ये रेडी हो गया हमारा बीटर यैम, तो प्लीज़ आइए और खाइए, पहाड़ों में आइए। तो इतना कुछ आपको ये अगर सिटी में आप लोगे तो पहले तो मिलेगा नहीं, बट मिलेगा भी तो बहुत कॉस्टली मिलेगा, और इतने नेचुरल प्रोसेस के साथ नहीं मिलेगा, जिसमें राख हो गई, फिर चूल्हे की आग हो गई। तो ये सब नेचुरल प्रोसेस था यहाँ पे, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। हाँ, अभी ऐड करेंगे इसमें सिर्फ हम गैस, जब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो प्लीज़ बताना कैसा था ये बीटर याम, टेस्ट करके तो मैं ही बताऊंगा, बट अगर किसी ने खाया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिसने भी खाया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फाइनली 10 मिनट के बाद ये इतने सारे हो चुके हैं, लगभग 2 से 2.5 किलो हो चुके हैं, और अभी इसके अंदर कम से कम 3 या 4 किलो और हैं, जो कि कोटद्वार में 200 250 300 रुपये किलो मिल रहा है। नियर बाई मेरे पास में एक मार्केट है कोटद्वार, यहाँ से होगा 40 किलोमीटर, वहाँ पे 200 300 रुपये किलो मिल रहा है, और ये मैं हमारे गांव में फ्री में मैं खा रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, जिसने भी इसको खाया है, इसका टेस्ट कैसा था। अभी एक छोटा सा 10 15 सेकंड का एक शॉट और आएगा, इसमें ऐड होगा, जिसमें हम इसमें तड़का लगाते हुए देखेंगे इसमें जख्खे का तड़का कैसे लगता है। अभी हमने ये सरसों का तेल गरम कर दिया है, और इसमें हम डालेंगे पहाड़ी जख्या, और उसके बाद इसमें होगा ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये होगा फिर फ्राई, और इसे खाएंगे बड़े प्यार से। इनको ऐसे इसलिए हिलाया जा रहा है ताकि ये टूटे ना, बहुत सॉफ्ट हो जाती है बॉईल करने के बाद, वापस में टूट जाती है। इसमें बहुत मेहनत लगी रहती है, ये फ्री का नहीं है, इसमें कम से कम आपको 2 से 3 दिन लगते हैं अगर आप इन्हें ढूंढते हो तो। फिर ये प्रोडक्ट मिलता है तो इसे हम खाएंगे, और फिर इसका टेस्ट बहुत ही, जैसे स्वीट पोटैटो होता है वो काफ़ी मीठा होता है, बट ये इतना मीठा नहीं होता है, और ये डायबिटीज़ में बहुत ही लाभदायक है। तो प्लीज़ खाइए इसे आप, आपके नियर बाई कहीं भी मिलता हो तो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फाइनली ये हो चुका है तैयार, इसको टेस्ट करते हैं। काफ़ी मज़ेदार है।